मैं हूं लक्ष्मी नौटियाल और ये है मेरा गांव गैरसेन, जहां कई किसान मिलकर जैविक खेती करके मसाला उत्पादन कर रहे हैं। हमारे यहां पर जैसे हमारे तकरीबन बहुत बड़ा गांव है, उसमें से हम 20-22 इच्छुक कृषक हैं जो इसमें सब्जी उत्पादन में ज़्यादा रुचि रखते हैं। और इन्हीं लोगों का हमारा समूह है और यहाँ से हम लोगों को जलागम से बीज प्राप्त हुआ था शुरुआत में और हम लोगों ने उसकी खेती तैयार करी। आज हम तकरीबन यहाँ फेडरेशन को भी उत्पादन देते हैं, हल्दी देते हैं, धनिया देते हैं, अदरक देते हैं। और आज तक थोड़ा रोड की कमी थी, अब रोड भी हमारे यहाँ चला गया कच्चा। ऐसा है कि हमारी जो ये सप्लाई चेन है, किसान कलेक्शन सेंटर में अपने माल को लाता है, उत्पादन को लाता है और ग्रेड करने के बाद हम उसको ग्रांट करते हैं। ग्रांट करने के बाद जो है हम उसका सीलिंग पैकिंग करके आज मार्केट के लिए अवेलेबल कराते हैं। जब फाइनल हमारा प्रोसेस हो जाता है, उसका हम लाभांश निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 100% जो लाभांश निकलता है उसका 70% फिर किसान को रिटर्न कर देते हैं, ताकि किसान अगले वर्ष में उसकी उत्पादन ज़्यादा बढ़ाए। और जो 30% है वो हम मैनेजमेंट कमेटी के पास रखते हैं। उसमें जैसे हमारा भवन किराया हो गया, उसमें लेबर कॉस्ट हो गया, और उसमें जो कुछ इसमें ऐसे उत्पाद हैं कि उसमें जो है क्षति भी होती है, कभी गिर जाता है या कभी कमी आ गई, तो उसकी पूर्ति के लिए हम जो है ये 30% मैनेजमेंट कमेटी के पास रहता है। किसानों ने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किए हैं कि वे जैविक रूप से मसाले की खेती करें, लेकिन उन्हें ज़रूरत है कि उनके पास भंडारण की व्यवस्था हो, उन्हें आसानी से बाजार मिल सके। मैं भी चाहती हूँ कि इस प्रयोग को उत्तराखंड के अन्य गांवों में भी विस्तार मिल सके, ताकि यहाँ का जैविक उत्पादन को बड़े स्तर पर बाजार तक पहुँचाया जा सके। इंडिया अनहर्ड के लिए उत्तराखंड से मैं लक्ष्मी